शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। यूक्रेन के बीच जारी संकट से खाने पीने की महंगाई में तेज उछाल की आशंका बन गई है। गेहूं वायदा कीमतें 14 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। इसके अलावा मक्का, सोयाबीन, सनफ्लावर की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिला है। भारतीय बाजारों में सोना और चांदी में गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर सोना अप्रैल वायदा 0.05% गिरकर 51,790 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी 0.5% गिरकर 68,863 रुपए पर आ गया है। दिल्ली में शराब की दुकानों पर मिलने वाली भारी भरकम छूट खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। दिल्ली सरकार के अबकारी विभाग ने इस मामले में आदेश जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में शराब की दुकानों पर शराब कीमतों में छूट दी जा रही थी। भारत में पहली बार पाम तेल 4 बड़े खाद्य तेलों में सबसे महंगा खाद्य तेल हो गया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के साथ ही देश में सूरजमुखी के तेल की सप्लाई भी थम गई है, जिसके चलते खरीदार सूरजमुखी तेल के विकल्प के तौर पर पाम तेल की तरफ रुख कर रहे हैं। यूक्रेन के ऊपर रूस के हमले के बाद भारत के लिए गेहूं एक्सपोर्ट के नए दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा संकट को देखते हुए भारत से ग्लोबल मार्केट को ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट का मौका मिल सकता है। ऐसे में घरेलू निर्यातकों को इस मौके का फायदा मिल सकता है। देश में अब तक लगभग 96.41 लाख किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सरकार को धान बेचा है। इसके बदले उन्हें एमएसपी के रूप में 1,38,620 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 90 महीने के हाई पर पहुंच गए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $110.22 प्रति बैरल और WTI $107.80 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। वहीं भारत में कच्चे तेल के दाम लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। देश के आयातक खाद्य तेल के सौदे के लिए कैनोला और राइस ब्रान ऑयल जैसे विकल्पों पर ध्यान देने लगे हैं। कनाडा से कैनोला जबकि थाईलैंड और वियतनाम से राइस ब्रान ऑयल का आयात तेज हो सकता है। साथ ही बाजार में ऑलिव पाम ऑयल का आयात भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 44 पैसे टूटकर 75.77 प्रति बैरल पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि निरंतर विदेशी कोष की निकासी, घरेलू शेयर बाजार में कमजोर रुख और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में बीते दिनों बारिश होने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। फिलहाल अभी मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार इस पूरे सप्ताह मौसम साफ ही रहने की संभावना है। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।